नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जवानों की पेंशन कटेगी या सैलरी या फिर भत्ते अलाउंसेस, आखिर माजरा है क्या? 15 लाख सैनिकों और 26 लाख पूर्व सैनिकों से 11 हजार करोड़ की कटौती की खबर आखिर अखबार में छपी क्यों? और सरकार को परियोजनाओं पर खर्च करने से क्यों नहीं रोक सकता सुप्रीम कोर्ट? और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी कांग्रेस क्यों उठा रही है सरकार के फैसले पर सवाल? और दोस्तों, सरकार चाहे किसी की भी दल की रही हो, लेकिन किसी भी सरकार ने कभी भी सैनिकों के बारे में कोई अच्छा फैसला नहीं लिया है, ये अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और दोस्तों, किसी दल की सरकार ने जवानों की पेंशन काटी तो किसी दल की सरकार ने जवानों को ओआरओपी के नाम पर दिया पेंशन में एनहेंसमेंट, और पिछले एक साल से काट के रखा है महंगाई भत्ता, और अब ये 11 हजार करोड़ का क्या नया जिन निकल के आने वाला है? तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि न्यूज़पेपर में आखिर ये खबर क्यों प्रकाशित हुई। दोस्तों, 6 जनवरी को दिल्ली से प्रकाशित अमर उजाला में एक खबर प्रकाशित हुई है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जिसकी आखिर की लाइन में लिखा हुआ है 15 लाख सैनिकों और 26 लाख पेंशन भोगियों पर 11 हजार करोड़ रुपए की कटौती की है। दोस्तों, ये कटौती किसके लिए है, क्यों है, पेंशन से है, सैलरी से है, भत्तों से है, इसके बारे में विवरण नहीं दिया गया है। लेकिन ये खबर आई क्यों, ये मुद्दा क्यों निकला, वो इस तरीके से देखिए दोस्तों। सरकार को परियोजनाओं पर पैसा खर्च करने से नहीं रोक सकते सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सेंट्रल विस्टा एक परियोजना है जिसके तहत, एक परियोजना है जिसके निर्माण पर लगभग 13,450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार की इस परियोजना की वैधता के ऊपर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए थे और कहा था कि ये परियोजना तानाशाह की गलत प्राथमिकताओं का विषय है, जो अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं। कोरोना महामारी और आर्थिक मंदी के समय भी केंद्र सरकार के पास सेंट्रल विस्ता पर 1400 करोड़ रुपए खर्च करने और प्रधानमंत्री का विमान खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए हैं, फिर भी 15 लाख सैनिकों और 26 लाख पेंशन भोगियों पर 11 हजार करोड़ रुपए की कटौती की है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन होने पर कोर्ट बाधक नहीं बन सकता। अगर सरकार राजमार्ग, बांध, स्कूल, विश्वविद्यालय का निर्माण करने का निर्णय लेती है और ये सब करने के लिए वह कानून का पालन करती है, तो अदालत को बाधक नहीं बनना चाहिए। इसलिए अदालत ने इस परियोजना पर रोक लगाने से मना कर दिया। अब देखना ये होगा कि जवानों से जो 11 हजार करोड़ की कटौती हुई है, ये कहाँ निकल कर सामने आएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।